गुड मॉर्निंग आज फ्रेंड स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में मैं एजुकेटर वर्ल्ड मैप का सेक्शन लेकर आई हूँ जिसमें कि हम एशिया कॉन्टिनेंट को पढ़ेंगे एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं इसके हम आज की वीडियो में इसके फैक्ट्स को देखेंगे जो कि ज़्यादा फैक्ट्स नहीं है थोड़े बहुत फैक्ट्स हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है जैसे कि अगर हम एशिया कॉन्टिनेंट को देखते हैं तो ये इतना पार्ट जो है पूरा एशिया का है इसको हम प्राइमरली सिक्स पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जैसे कि आप देख रहे हो पर्पल कलर नॉर्थ एशिया को पिंक कलर एश, सेंट्रल एशिया को ग्रीन कलर वेस्टर्न एशिया को रेड कलर साउथ एशिया को येलो कलर ईस्ट एशिया यानी फार एशिया को और आपका ब्राउन या फिर ये कलर जो है वो साउथ ईस्ट एशिया को डोनेट करता है तो चलिए इसके हम डिटेल में जाने इतना पूरा एशिया है चलिए इसे हम देखते हैं आज हम जिस कॉन्टिनेंट को पढ़ेंगे वो कॉन्टिनेंट है हमारा एशिया कॉन्टिनेंट ये हमने बता दिया आपको और एशिया कॉन्टिनेंट के कुछ जो फैक्ट्स हैं उसको आज हम डील कर लेते हैं उसके बाद फिर हम इसको डिटेल में एनालाइज करेंगे जहां से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं और इन फ्यूचर वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं चलिए पॉइंट को देखें पृथ्वी के कुल भूभाग का 30 परसेंट भाग एशिया में है ठीक है फर्स्ट पॉइंट यही है कि हमारी जो धरती है जितना उसमें लैंड है उस लैंड में से पूरे लैंड में से थर्टी परसेंट का लैंड कहाँ पे है एशिया में है इसीलिए एशिया जो है वो जनसंख्या में और क्षेत्रफल की दृष्टि से दोनों ही टॉप पर है मतलब सबसे बड़ा अगर कोई कॉन्टिनेंट है तो वो कौन सा है एशिया है और अगर जनसंख्या में पूछे तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है क्योंकि लैंड इसी के पास है तो कहाँ पे होगी जनसंख्या एशिया में ही होगी और इसमें फोर्टी नाइन कंट्रीज आती हैं एशिया में ये पॉइंट याद रखिएगा और नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए यह है पॉइंट क्या कि एशिया कॉन्टिनेंट को हम अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग कि हम इसको आसानी से समझ सके इसको हम छह पार्ट में बांटते हैं एक है पूर्वी एशिया जिसे कि नॉर्थ एशिया कहते हैं और नॉर्थ एशिया को हम साइबेरिया के नाम से भी जानते हैं उसके बाद है केंद्रीय एशिया जिसे कि हम सेंट्रल एशिया कहते हैं और इसे हम द स्तान के नाम से जानते हैं जैसे कजाकिस्तान किर्गिस्तान है ना दस्तान कंट्रीज के नाम से भी जानते हैं किसे सेंट्रल एशिया को फिर है पश्चिमी एशिया में एशिया जैसे कि वेस्टर्न एशिया और इसी को हम मिडिल ईस्ट एशिया के नाम से भी जानते हैं उसके बाद है चौथा पार्ट है पूर्वी एशिया जिसे कि ईस्ट एशिया या फिर फार एशिया के नाम से फार ईस्ट एशिया के नाम से जानते हैं पांचवा है दक्षिण एशिया जिसे कि हम साउथ एशिया के नाम से जानते हैं और छठा है दक्षिण पूर्वी एशिया यानी ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया के नाम से भी जानते हैं ठीक है ये तो एशिया का हो गया नेक्स्ट जो है अगर हम एशिया कॉन्टिनेंट को देखते हैं तो इसको हम अगर हम साउथ नॉर्थ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अगर डिवाइडेड करें तो हम देखते हैं कि तीन तरफ से एशिया कॉन्टिनेंट महासागर से घिरा हुआ है उत्तर में यानी नॉर्थ में ओशन पूरब में आपका पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर दक्षिण में आपका हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन और अगर पूर्व में देखते हैं सॉरी पश्चिम में देखते हैं तो लैंड से यानी यूरोप कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है ये पॉइंट याद रखिएगा चलिए अगर हम यूरोप कॉन्टिनेंट को देखते हैं तो यूरोप कॉन्टिनेंट से जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको यूरोप कॉन्टिनेंट का पूरा डिटेल पढ़ा दिया है जो व्यूवर्स नहीं देखे प्लीज़ आप उसे एक बार चेकआउट कीजिए आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है यूरोप कॉन्टिनेंट जो है वो हम देखते हैं कि यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट एक जैसा दिखता है एक ही में है इसीलिए हम इसे यूरेशिया कहते हैं यूरेशिया को जो माउंटेन अलग करती है जैसे कि हम यूरोप और एशिया में डिवाइड करते हैं वो कौन सी यूराल माउंटेन यूराल माउंटेन के पास में ही एक रिवर बहती है जिसका नाम क्या है यूरल रिवर अगर हम यूरोप को दक्षिण में देखते हैं यानी दक्षिण से पार्ट में जो अलग होती है वो कौन है काकस का काकस माउंटेन काकस माउंटेन और उसके बाद कैस्पियन सी और ब्लैक सी कैस्पियन सी और ब्लैक सी से भी क्या होती है यूरोप और आपका यूरोप से और आपका एशिया अलग होता है और यहीं पे आपका टर्की स्ट्रेट है और सूज कैनाल से भी अलग होती है अगर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखेंगे क्योंकि अगर आप मैप देखोगे तो एशिया यूरोप फिर अफ्रीका है तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट कैसे अलग करता है एशिया को तो रेड सी के द्वारा ये अलग होता है रेड सी मतलब सूज कैनाल से सूज कैनाल किन दो वाटर बॉडी को जोड़ती है तो आपकी रेड सी यानी लाल सागर और गल्फ ऑफ सूज को जोड़ती है ठीक है और दो कॉन्टिनेंट को अलग कौन करेगी तो अफ्रीका को किससे अलग, अलग कर रही है आपकी एशिया से अलग करती है इजिप्ट अगर हम देखते हैं इजिप्ट इजिप्ट एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री मतलब एक ऐसा कॉन्टिनेंट ऐसा कंट्री जो कि आपकी एशिया में भी आता है और आपका अफ्रीका में भी आता है यानी ऐसे देश जो कि किसी दो महा दो द्वीपों में आते हैं वैसे देश को क्या कहते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज कहते हैं ठीक है और इजिप्ट उनमें से ऐसा है इजिप्ट को अगर देखोगे तो आप अफ्रीका में भी गिना जाता है और एशिया में भी गिना जाता है और अगर इजिप्ट की बात करें तो किस पेनसुला में बसा हुआ है यानी प्रायद्वीप में बसा हुआ है तो सनाई के में बसा हुआ है तो हम सनाई पेनोसुला को भी डिटेल में पढ़ेंगे चलिए अगर हम देखते हैं ओशियाना ओशियाना किधर है आपका अगर आप इधर देख रहे हो ना पैसिफिक ओशन और साउथ जो कि ओशियाना कैसे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के पार्ट को ऑस्ट्रेलिया कंट्री है ना तो ऑस्ट्रेलिया के पार्ट को ओशियाना कहते हैं ओशियाना से कैसे अलग होता है तो एक मलाई आर्की है मलाई आर्की से ही अलग होता है और यहीं पे एक आपकी मालुकू मालुकू आइलैंड है तो मालुकू आइलैंड के द्वारा आपकी एशिया कॉन्टिनेंट क्योंकि आप इंडोनेशिया सब पढ़ते जाओगे तो ये सब किस में है एशिया कॉन्टिनेंट में है हम इसको मैप में डील डिटेल करेंगे ठीक है अभी आप सिर्फ फैक्ट देखिए ठीक है अगर आप देखते हो कि नॉर्थ अमेरिका भी है ठीक है और उससे कैसे अलग होता है तो बैरिंग जल संधि यानी बैरिंग जल बैरिंग स्ट्रेट है उसके द्वारा हमारा एशिया और नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका अलग होता है ठीक ये कुछ पॉइंट्स हैं चलिए और पॉइंट्स पर नजर डालिए वो क्या है जैसे कि मैंने अभी आपको ट्रांस कॉन्टिनेंटल के बारे में बताया जिसे हिंदी में क्या कहते हैं अंतर महाद्वीपीय देश कहते हैं ठीक है अंतर महाद्वीपीय देश तो ये अगर आप यूरोप को देखोगे तो यूरोप के कितने कंट्रीज आते हैं पांच कंट्रीज आती हैं यूरोप में यूरोप में भी गिने जाते हैं और आपकी एशिया में भी गिने जाते हैं जैसे जॉर्जिया अजरबैजान रशिया कजाकिस्तान और तुर्की यानी टर्की ठीक है चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखें ये सब फैक्ट से आस्परेंट इसे जरूर आप याद रखिएगा नोट्स बना के इसे आप लिख लीजिए कॉपी में अगर हम देखते हैं कि मोस्ट पॉपुलेशन आइलैंड इन वर्ल्ड वर्ल्ड में जो आइलैंड्स होते हैं यानी द्वीप होते हैं द्वीपों में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस द्वीप का है तो आपकी जावा जो कि इंडोनेशिया में है ठीक है इंडोनेशिया के जावा में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है और ये क्या है एक आईलैंड है उसके बाद है जापान का होन्सू आइलैंड दूसरे नंबर पे फिर ग्रेट ब्रिटेन है ठीक फिर फिलिपींस का लूजोन है और फिर पांचवें नंबर पे आपकी इंडोनेशिया की सुमात्रा है ये फाइव टॉप याद रखिएगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एशिया शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई तो हिब्रू लैंग्वेज से हुई है हिब्रू भाषा से हुई है आशु आशु का अर्थ क्या होता है उदित सूर्य इसीलिए हम देखते हैं अगर जापान को देखते हैं तो क्या बोलते हैं सूर्य उदय का देश बोलते हैं अगर हम ग्रेट ब्रिटेन को देखते हैं तो वो आपका इष्ट यानी अस्त उरत अस्त का देश बोलते हैं है ना सूर्य अस्त का देश बोलते हैं किसे ग्रेट ब्रिटेन को ना तो इसी तरीके से इसे हम इस तरीके से याद कर सकते हैं नेक्स्ट है जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है इसमें तीन अच्छांश गुजरते हैं अच्छांश मतलब या वृत्त मतलब जो आपकी पृथ्वी है उसको जो पार्ट में बांटा जाता है कैसे आपकी हॉरिजेंटली ठीक है हॉरिजेंटली जब बांटा जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं और मतलब गोलाई तो इसको विश्वत रेखा यानी जीरो कॉन्टिनेंट गुजरती है कर्क वृत्त गुजरती है जैसे कि साढ़े तेईस डिग्री नॉर्थ बोलते हैं ठीक है साढ़े तेईस डिग्री नॉर्थ यानी थर्टी टू एंड हाफ नॉर्थ फिर आर्कटिक वृत्त ठीक है ये तीन वृत्त किससे गुजरती है आपकी एशिया कॉन्टिनेंट से अगर हम स्थल की बात करें स्थल खंड तो इसमें कौन कौन से स्थल खंड आते हैं एक जैसे हम जानते हैं जानते हैं जो अगर पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी को अगर दो भाग में बांटा जाता है तो ऊपर के भाग को क्या कहते हैं अंगारा लैंड ऊपर के जितने द्वीप हैं और नीचे के जितने हेमी द्वीप हैं उसको गोडवाना लैंड कहते हैं तो अंगारा लैंड में कौन कौन है आपका रूस और चीन है ये किसके पार्ट अंगारा लैंड के हम एशिया की बात कर रहे हैं क्योंकि यूरोप जो है वो भी क्या है अंगारा लैंड का ही हिस्सा है लेकिन अगर देखा जाए गुडवाना लैंड भी है एशिया में ये आक, बहुत अद्भुत बात है ठीक है एशिया में गुडवाना लैंड भी है गुडवाना लैंड का कौन भाग है तो प्रायद्वीपीय भारत जैसे भारत का अगर हम देखेंगे सिर्फ भारत इसमें नहीं आएगा इसमें आपका जापान भी आ जाएगा भूटान फिर इधर पाकिस्तान ये सब कंट्रीज आ जाएंगी फिर इंडोनेशिया ये सारे आ जाएंगे किसमें गुडवाना लैंड में और ये कहाँ पर है पहले अब गुडवाना लैंड का हिस्सा था घसकते घसकते ये ऊपर आ गया यानी आपके नॉर्थ नौ, में स्पेयर में आ गया ठीक है तो इस तरीके से आपकी एशिया में दोनों तरह के लैंड यानी स्थलखंड पाए जाते हैं अंगारा लैंड भी और गुड़वाना लैंड भी कौन कौन पार्ट है हमने देख लिया अगर हम पूछा जाए कि अगर एशिया में कौन कौन से प्रायद्वीप हैं तो तीन प्रमुख प्रायद्वीप हैं तो ऐसे बहुत सारे प्रायद्वीप ठीक है छोटे छोटे लेकिन जो प्रमुख प्रायद्वीप है वो हम देखते हैं जैसे अरब का प्रायद्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अगर क्वेश्चन पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कहा पर है किस महाद्वीप में है तो आपका उत्तर क्या होगा एशिया महाद्वीप अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप का नाम क्या है तो उत्तर क्या होगा अरब का प्रायद्वीप है ठीक उसके बाद डक्कन का प्रायद्वीप जो भारत में है फिर इंडो चीन का प्रायद्वीप ठीक ये तीन प्रायद्वीप प्रमुख है इन्हें याद रखिएगा अगर हम देखें विश्व में अगर एशिया की उपलब्धियों के बारे में देखें तो क्या क्या चीज है एशिया में तो एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसे कि जो कि हमने देखा कि और नवीनतम पर्वत शिखर है हिमालय पर्वत शिखर क्योंकि ये गुडवाना लैंड का हिस्सा था धीरे धीरे कहाँ पैर आ गया जब टैठिस सागर से वहां पर थी उसे टकराया और फिर वहां पे एक नए पर्वत का निर्माण हुआ जिसे की हम हिमालय पर्वतमाला देखते हैं और हिमालय पर्वतमाला में ही सब दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची पर्वत शिखर है जिसे कि हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं इसका अगर हाइट पूछा जाए कितना है एटी एट फिफ्टी है इसका हाइट और ये कहाँ पे स्थित है नेपाल के सागरमाथा में स्थित है अभी 2019 का अगर देखोगे जो वर्ल्ड फैशन शो हुआ था वो नेपाल के सागरमाथा में ही किया कंडक्ट कराया गया था ठीक है नेक्स्ट जो पॉइंट है दूसरी क्या और क्या पॉइंट है विश्व का सर्वाधिक विस्तार पठार विस्तृत पठार फैला हुआ पठार कहाँ पर है एशिया कॉन्टिनेंट में उसका नाम क्या है तिब्बत का पठार इसका अगर विस्तार पूछा जाए तो ये नहीं पूछता बट नॉलेज आपको पता होना चाहिए दो लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा पठार एक विस्तृत पठार क्या हो गया आपका तिब्बत का पठार और सबसे ऊंचाई पे का है कौन है तो पामीर का पठार ठीक है जिसे कि विश्व की छत के नाम से यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड के, के नाम से भी जानते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं तो पामीर का पठार कहते हैं या फिर पूछ सकता है विश्व का सबसे ऊंचा पठार किस कौन, किस कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप में है या उसका नाम क्या है तो आपका उत्तर होगा पामीर पठार ठीक और पूछा जाए अगर कि विश्व एशिया का एशिया का ध्यान दीजिएगा विश्व का नहीं अभी एशिया का सबसे छोटा देश अगर पूछे तो कौन है मालदीप है अगर पूछा है ये तो छोटा हो गया तो अगर पूछे बड़ा कौन सा है तो क्या उत्तर होगा आपका रशिया होगा यानी रूस ठीक मालदीव को ही किस नाम से जानते हैं किंग्स आइलैंड्स के नाम से भी जानते हैं ठीक है मैं बताऊंगी आपको अभी लेकिन अभी अभी यहाँ पे इतना जान लिए नेक्स्ट अगर पूछे कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व घनत्व वाला देश कौन सा है ने? ऐसा कौन सा देश है जो कि घनत्व की यानी डेंसिटी वहां पे पॉपुलेशन सबसे ज्यादा रहती है तो कौन है सिंगापुर ठीक ये याद रखिएगा अगर पूछा जाए कि स्थल रुद्र स्थल रुद्र जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं लैंडलॉक कंट्रीज यानी वो समुद्र से अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं ऐसी आ, ऐसी भूस्थल जो कि अपनी समुद्र से सीमा साझा नहीं करते हैं उसे क्या कहते हैं लैंडलॉक कंट्री तो ऐसी लैंडलॉक कंट्री कौन है एशिया में एशिया में दस है कौन कौन सी है या नाम याद रखिएगा कजाकिस्तान अफगानिस्तान मंगोलिया नेपाल भूटान तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान किर्गिस्तान कजाकिस्तान और लाओस ये पूरे दस हैं अगर पूछा जाए सबसे बड़ी जो स्थल रुद्र है यानी लैंड कंट्री कौन है तो कजाकिस्तान उसके बाद मंगोलिया ठीक ये दोनों याद रखिएगा फर्स्ट टू और ये तो हो गए आपके लैंड लॉक ठीक है नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एशिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वो कौन है यांगसी नदी यांगसी नदी एशिया एशिया की है ये ठीक है वर्ल्ड की नहीं बोल रही हूं अगर पूछे एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी तो यांगसी नदी है अगर पूछे सबसे अधिकतम गहराई एशिया में सबसे अधिकतम गहराई कौन सा पार्ट है एशिया का एशिया का और ये वर्ल्ड का भी है तो क्या है मृत सागर यानी डेड सी जिसे कहते हैं और डेड सीन किन दो देशों के बीच में बसा मैंने न्यूज पे न्यूज जब मैं पढ़ाती हूँ करंट अफेयर तो मैंने आपको अक्सर डेड सी के बारे में बताया है वो कौन दो देशों के बीच में बसा है बताइए मैंने काफी बार बताया आपको जो नहीं देखते प्लीज देखा कीजिए आपको पता चलेगा अभी मैं डिटेल में फिर बताऊंगी आपको चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त गहरा सागरीय गर्त कहाँ पर है तो वो मेरियाना गर्त है जिसे मेरियाना ट्रंच भी कहते हैं ये कहाँ पर है तो फिलिपींस द्वीप समूह के पास में है जो कि कहाँ पर स्थित है किस महासागर में प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन में है इस कितनी गहराई है इसकी तो इसकी गहराई इलेवन थाउजेंड ट्वेंटी टू मीटर गहरा है नीचे सी लेवल से भी के बाद के बाद बता रहे हैं ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है चलिए और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी हम नजर डालें क्या है कि विश्व की सबसे गहरी झील अगर पूछे अभी ने गर्द देखा ठीक है ट्रंच देखा अब गहरी झील बोले तो बैकाल झील है बैकाल झील कहाँ पर है अभी हम पढ़ाएंगे ये रूस में है ठीक है और सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक भी यही है ठीक अगर इसको धरातल से देखा जाए तो कितनी मीटर है वन हंड्रेड नाइन वन थाउजेंड नाइन ना हंड्रेड फोर्टी मीटर की है ये अगर समुद्र लेवल से देखें तो फोर वन थाउजेंड फोर हंड्रेड एट्टी फाइव मीटर की है अगर पूछे विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है बड़ी झील ठीक है ये कैस्पियन सागर है ठीक है ये ऐसे की सागर है यानी सी में गिनी जाती है लेकिन इसे हम झील के नाम से जानते हैं ये एक आंतरिक सागर है ठीक है आंतरिक सागर ये पॉइंट भी याद रखेगा कौन कैसपियन और कहाँ पर ये आपके एशिया कॉन्टिनेंट में है नेक्स्ट पॉइंट क्या है विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी का झील कहाँ है तो आपका पैग पैगोंग झील है पैगोंग झील अभी ये न्यूज़ में भी रहा क्योंकि पैगोंग झील के पास में यार ये, ये बहुत लंबी भी है ठीक है ऊंचाई पर स्थित है लंबी भी है ये चाइना तक फैली है इसीलिए अभी हमने चाइना और इंडिया के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट देखा यानी तिब्बत तक फैली है कहाँ पर है ये पैंगोंग झील ये लद्दाख और ये किस आपके एक इंडियन मूवी में भी आई थी थ्री इडियट इंडियन मूवी देखी थी ना तो उसमें जो रानचोड़जा जो जो लास्ट सीन है वो यहीं पे शूट किए गए थे पैंगोंग को झील में ही ठीक तो ये लद्दाख तिब्बत में है ये पॉइंट याद रखिएगा नेक्स्ट जो क्या है विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला अगर क्षेत्र बोले विश्व का तो ये भी एशिया में ही पड़ता है क्या नाम है उसका मानसी मानसीम राम ये कहाँ पर मेघालय में अगर पूछा जाए विश्व की सबसे ऊँची रेलवे लाइन सबसे ऊंचाई पे कहाँ पर, तो तो पर है तो आपकी तिब्बत में है वो कहाँ पे है तो क्वी छाई छाई यानी छाई कहाँ पर है तो आपकी छिंग हाई प्रांत में छिंग हाई प्रांत कहाँ पे चाइना में है द चाइना का है तिब्बत जो है वो चाइना के अंदर आता है तो ये इसका है ठीक अब नेक्स्ट देखें अगर पूछा जाए विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है तो ये अपने इंडिया में है यूपी में क्या नाम है उसका गोरखपुर उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है वन हंड्रेड वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी फाइव किलो का है सॉरी किलोमीटर बोल रही मीटर का है और अगर सेकंड पोजीशन बोला जाए तो वो आपका खड़गपुर वेस्ट बंगाल इसकी कितनी लंबाई थी तो एक हज़ार सेवेंटी टू मीटर इसकी लंबाई थी तो अभी ये बढ़ गया है चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें कि प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदी जो एशिया में है एशिया की प्रशांत महासागर में जो गिरती है वो कौन कौन सी है वो आपकी है ये चार नदियां हैं प्रमुखता क्या नाम है इनका हुआंग हो, आमूर आमूर नदी जो है उसके बारे में शॉर्ट में बता दूं आमूर नदी एक जल सीमा बनाती है किन दो देशों के बीच में तो चाइना और आपकी रशिया के बीच में से हम पढ़ेंगे डिटेल में ठीक है उसके बाद है सी सी ंग सिं सिंगयांग और टांगटी टांग सी कुंग ठीक तो ये तीन नदी जो एशिया प्रशांत में गिरती है फिर आर्कटिक महासागर में गिरने वाली नदी कौन है एशिया की तो ये तीन नदियां हैं कौन की लीना ओबे और येनसी ठीक ये नाम ये पूछा जाता है आपको दे देगा चार ऑप्शन बोलेगा इनमें से कौन सा नहीं तो ये चार आप तीन कम से कम याद रखिए ये तीन नदियां हैं लीना ओबे ये और ये तीनों जो है कहाँ बहती हैं रशिया में बहती है अभी मैं रशिया कॉन्टिनेंट को पढ़ाऊँगी तो आपको बताऊंगी ठीक है और ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे फैक्ट्स थे है तो बहुत सारे फैक्ट्स लेकिन ये कुछ इम्पोर्टेंट थे जो मुझे लगे आपको एशिया पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा नेक्स्ट वीडियो में हम आ, एशिया का फर्स्ट पार्ट यानी नॉर्थ एशिया जिसे कि हम साइबेरिया के नाम से जानते हैं उसे डिस्कस करेंगे थैंक यू आसप्रेंट इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और अपनी फैमिली को बढ़ाइए जल्दी हम 150 होने वाले हैं तो जल्दी से 150 कर दीजिए इसे थैंक यू